और मध्य प्रदेश में सूरज इन दिनों जमकर तप रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों तक आसमान से आग बरस रही है। इस भीषण तपिश से परेशान है वो लोग जिनको इस गर्मी में बाहर काम पर निकलना होता है। कहीं ठंडे पानी तो कहीं लस्सी और छाछ पीकर गर्मी से बच रहे हैं लोग, मगर इस मौसम में तपती गर्मी से बचना आसान काम नहीं है। देखिए रिपोर्ट इस पर। आसमान से बरस रही आग, शहर शहर गर्मी का कहर, गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमान से आग बरस रही है। दोनों प्रदेशों के शहर सूरज की तेज तपिश से झुलस रहे हैं। कई जगह पर तो गर्मी का ये टॉर्चर 45 डिग्री के पार चला गया है। आलम यह है कि सुबह 10 बजे के बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, लेकिन जरूरी काम से घर से बाहर जाने वाले लोग लू के थपेड़े सहने को मजबूर। एमपी छत्तीसगढ़ से कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जरा जानिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों का तापमान क्या है। भोपाल में 42 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 43 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 45 डिग्री सेल्सियस, दतिया में 45 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 41 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 38 डिग्री सेल्सियस। गर्मी उत्तर भारत में कैसे झुलसा रही है, राजस्थान के बीकानेर से आए एक वीडियो को देख लीजिए, जहां बीएसएफ का एक जवान तपती रेत में पापड़ सेंकता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं इंदौर में पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत देने के मकसद से सिग्नल चौराहे पर ग्रीन शेड लगाई गई है। पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया ने 3 शेड लगवाए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिल सके। 10 साल में ऐसा पहली बार है जब यहां पिछले 4 दिन से तापमान 41 डिग्री से ज्यादा पहुंचा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि गर्मी जानलेवा बनती जा रही है। शहर में 15 दिन में गर्मी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग लोगों को SMS भेजकर अलर्ट जारी कर रहा है। भैया ये जो ग्रीन शेड लगी है कितनी राहत मिल रही है इससे? बहुत अच्छी राहत मिल रही है। अब गर्मी में यहाँ पर मुश्किल से 1 से 2 मिनट तो रुकना ही पड़ता है, लेकिन 1 से 2 मिनट भी अगर धूप में रुके तो काफ़ी तकलीफ होती है। अगर नेट से कम से कम थोड़ा बहुत सुकून तो मिल रहा है। इंदौर में सिग्नल के आसपास लोग पेड़ तलाश करते हैं, लेकिन अब ये ग्रीन शेड लगी है, क्या कहेंगे बाबूजी आप? ये ग्रीन शेड सर एकदम बढ़िया है, छाया होना चाहिए।